मिथिला वाहिनी द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी भोज सम्मेलन समारोह आयोजित। मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड के बेलाराही गांव स्थित बजरंगबली मंदिर परिसर में मिथिला वाहिनी के जिला इकाई झंझारपुर द्वारा मकर संक्रांति के पावन अवसर पर खिचड़ी भोज कार्यक्रम सह कार्यकर्ता मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मिथिला वाहिनी के झंझारपुर जिला प्रमुख राजकुमार मंडल ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने मकर संक्रांति की महत्ता का जिक्र करते हुए लोगों से मिथिला वाहिनी के कार्यों में सहयोग और सहभागी बनने का आग्रह किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को मिथिला वाहिनी के उद्देश्यों की भी जानकारी दी, साथ ही बताया कि जिस तरह से चावल दाल और अलग अलग सब्जियों सहित मसाले के मिश्रण से एक लाजवाब और स्वादिष्ट व्यंजन का निर्माण किया जाता है, उसी तरह हम सभी लोगों को भी चाहे अलग अलग जाति या पंथ के हों, एक जगह रहने पर सुव्यवस्थित सभ्य और मजबूत समाज का निर्माण करना संभव होगा। साथ ही तिल और गुड़ से बना तिलबा ग्रहण कर यह शपथ ग्रहण करें कि मिथिला और मैथिली के चहुमुखी विकास और गुलाबी में मिथिला के अभियान को हम अपने सामर्थ्य के अनुसार आगे बढ़ाने में मजबूती के साथ सहयोग प्रदान मिथिला वाहिनी के अभियान को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम को मिथिला वाहिनी के जिला संरक्षक समिति के सदस्य विजय कुमार यादव और शिव कुमार मिश्र ने भी संबोधित किया। साथ ही इस सफल कार्यक्रम के लिए जिला प्रमुख राजकुमार मंडल सहित उनके टीम के लोगों को बधाई दिया। कार्यक्रम में अलग अलग प्रखंड के कार्यकर्ता और सहयोगी के साथ ही काफी मात्रा में स्थानीय लोग सहित महिला शक्ति भी उपस्थित थी, जिन सभी ने जमकर खिचड़ी भोज का आनंद लिया और मकर संक्रांति के अवसर पर एक दूसरे को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से जिला सह प्रमुख रामलाल तांती, बबलू सदाए, मोहन मंडल, श्याम मंडल, लक्ष्मण सदाए, रुद्र मंडल, अभिषेक चौरसिया, सतीश कुमार मिश्रा, रुद्रनाथ राउत, अखिलेश कुमार, भरत दास, लाल झा, अशोक यादव, राकेश कुमार रोशन, अजय कुमार, राम प्रसाद मंडल सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग रहा। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। तिला संक्रांति के अवसर पर पूरा विश्व और सनातन प्रेमी सब मकर संक्रांति धूमधाम से मना रहा है। ताहि क्रम में मिथिला वाहिनी द्वारा से हो जगह जगह एक कार्यक्रम के आयोजन कैल गेल है, जैमे अखन झंझारपुर जिला इकाई राजकुमार मंडल जी के संयोजक में हम सब बेलाराही हनुमान मंदिर झंझारपुर में एक कार्यक्रम में उपस्थित छी और एक माध्यम से एकटा संदेश जे जाय छी ओके बारे में चर्चा करला चाहे छी। ये मिथिला वाहिनी अपन संस्कृति और धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लेल लगातार प्रयास कर रहा है। वही क्रम में आए हम सब एकटा उपस्थित छी और आज का दिन के लिए विशेष महत्व से खिचड़ी कार्यक्रम खिचड़ी कार्यक्रम में बहुत तरह के पदार्थ मिलकर एक व्यंजन बने से जे हमरा सब के संदेश दैया जे हम सब अलग अलग रूप में जन रही विखंडित रहे और जहन एक ठाम जमा भ जाए तो ओकर एक अलग सुगंध भ जाए छे, ओकर एक अलग स्वाद आवे छे। तहिना हम सब समाज में रहे वाला लोग भले अलग अलग जाति पंथ में विभाजित छी लेकिन हम सब सनातनीय छी, तैं हमरा सब के एक जहन हेबे तो निश्चित रूप से समाज के विकास हेतु और ये हमारे सबके सहभागिता रहते। तै लग मिथिला वाहिनी के ये प्रमुख कार्यक्रम है, तै में मकर संक्रांति तिला संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी कार्यक्रम होइया और वही में कार्यकर्ता मिलन समारोह सेहो होइया, जैमे हम सब आइटम उपस्थित भ के एक दोसर के तिलवा सेहो खुएलहुँ हैं, जे हम सब संकल्पित होय जे मिथिला मैथिली और मैथिल के लड़ाई के लेल जे मिथिला वाहिनी के अभियान छै ओहि अभियान के हम सब तिल तिल तक जे छै संग देबै और अंतिम चरण तक संग देबै। या संग हम सब उपस्थित छी, संग में एकटा बात और हम पहिनेयो कहने रही जे आबे वाला समय में मिथिला वाहिनी मिथिला ने पूरा विश्व में एकटा संदेश दे और ओहि के लेल हमरा सबके धीरे धीरे जे काज बढ़ा रहल छी ओहि गति से हेतै। तो तै लऽ कऽ ओहि में हम अहाँ सबके विश्वास दियाबै छी जे अहाँ सबके जे संग रहते तो आबे वाला समय में मिथिला वाहिनी के लोग देख रहल छे, लोग के विश्वास मिथिला वाहिनी दिशा बढ़ रहल छे। तो तैं आज मिथिला वाहिनी के प्रत्येक कार्यकर्ता के ई रहबाक चाहिए जे हम सब मिथिला मैथिली और मैथिल के लेल जे छे से लगातार काज करते रही।
हम निरंतर एक अभियान के तहत।